हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में फिर से हम लैग्रांज थ्योरम के कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इससे पहले वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे लैग्रांज थ्योरम के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज बाय मीन्स ऑफ लैग्रांजेस फॉर्मूला प्रूव दैट वाई वन इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस 0.3, वाई फाइव माइनस वाई माइनस थ्री प्लस 0.2 वाई माइनस थ्री माइनस वाई माइनस फाइव। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लेग्रांज थ्योरम का यूज करो, लेग्रांज फॉर्मूले का यूज करके हमको इस कंडीशन को प्रूव करना है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ के टर्म्स में, तो ये एक्चुअली ये है, ये एफ वन है, ये एफ थ्री है, ये एफ फाइव है, एफ माइनस थ्री है, एफ माइनस थ्री है और एफ माइनस फाइव है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं। आर्गुमेंट्स हमारे पास हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिल रही है? थ्री, फाइव, माइनस थ्री और माइनस फाइव, चार वैल्यूज हैं। तो माइनस फाइव, माइनस थ्री, थ्री एंड फाइव, ये आर्गुमेंट्स की वैल्यूज हैं। और जो वैल्यू हमको, जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी होती थी, वो वैल्यू क्या है? वन। तो एक्स की वैल्यू वन हो गई अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करें तो। बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला लेफ्ट साइड में आता था एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पे एक्स यहाँ पे वन है, और एफ वन को हम वाई वन भी लिख सकते हैं। वाई वन इज इक्वल टू होता एक्स की वैल्यू से पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज माइनस होती थी। तो क्या हो जाएगा? वन प्लस थ्री, वन माइनस थ्री एंड वन माइनस फाइव, और जो वैल्यू छोड़ी है उससे बाकी सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। माइनस फाइव प्लस थ्री, माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस वन, सॉरी माइनस फाइव माइनस फाइव, और इनटू आ जाएगा एफ जीरो। एफ जीरो का यहाँ पे मतलब है सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू है यहाँ पे माइनस फाइव। तो एफ माइनस फाइव आएगा, एफ माइनस फाइव का मतलब वाई माइनस फाइव से ही मतलब है। प्लस हम दूसरी वैल्यू छोड़ देंगे, वन प्लस फाइव, वन माइनस थ्री और वन माइनस फाइव, और जो वैल्यू छूटी है उसे सबको माइनस कर देंगे। माइनस थ्री प्लस फाइव, माइनस थ्री माइनस थ्री और माइनस थ्री माइनस फाइव इंटू वाई माइनस थ्री, प्लस नेक्स्ट वैल्यू वन प्लस फाइव, वन प्लस थ्री, वन माइनस फाइव अपॉन थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस थ्री और थ्री माइनस फाइव इंटू वाई थ्री, एंड द लास्ट वैल्यू इज वन प्लस फाइव, वन प्लस थ्री, वन माइनस थ्री अपॉन जो वैल्यू छूटी है फाइव प्लस फाइव, फाइव प्लस थ्री, फाइव माइनस थ्री इंटू आ जाएगा वाई फाइव। तो ये लैग्रांज फॉर्मूले का मैंने यूज किया है यहां तक। वाई वन इज इक्वल टू, ये हमारे पास है फोर इंटू माइनस टू इंटू माइनस फोर अपॉन माइनस टू माइनस एट और माइनस टेन। तो ये फोर इंटू माइनस टू माइनस एट हो जाएगा, और ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स, और ये
फाइव टाइम्स, तो वन अपॉन माइनस फाइव आ गया पहला टर्म इंटू वाई माइनस फाइव प्लस अगला टर्म, ये हमारे पास सिक्स इंटू माइनस टू इंटू माइनस फोर अपॉन टू इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस एट इंटू वाई माइनस थ्री प्लस सिक्स इंटू फोर इंटू माइनस फोर अपॉन एट इंटू सिक्स इंटू माइनस टू इंटू वाई थ्री, सिक्स इंटू फोर इंटू माइनस टू अपॉन टेन इंटू एट इंटू टू वाई फाइव। तो पहला टर्म हमारे पास आ रहा था माइनस वन अपॉन फाइव वाई माइनस फाइव, अगला टर्म माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, फोर इंटू टू एट, एट कैंसिल आउट, सिक्स कैंसिल आउट, तो वन बाई टू वाई माइनस थ्री प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये सिक्स एंड सिक्स कैंसिल आउट हो गया और ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया और ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो वाई थ्री का कोफिशियंट वन आ गया। और लास्ट टर्म ये एट कैंसिल हुआ, ये थ्री टाइम्स कैंसिल हुआ, तो माइनस थ्री अपॉन टेन वाई फाइव। अब आपको जो आंसर लेके आना है उस आंसर के अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज कर लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू पहला टर्म y3 लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स माइनस वन अपॉइंट फाइव को हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू वाई माइनस फाइव, इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव वाई माइनस थ्री और इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री वाई फाइव। तो y1 y3 माइनस जीरो पॉइंट टू वाई माइनस फाइव और इस जीरो पॉइंट फाइव को मैं लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू वाई माइनस थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई फाइव। वाई वन इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू वाई माइनस फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई माइनस थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू वाई माइनस थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई फाइव। वाई वन इज इक्वल टू वाई थ्री जीरो पॉइंट थ्री इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे विद निगेटिव साइन, तो अंदर बचेगा वाई माइनस थ्री माइनस साइन में दिक्कत हो रही है इसमें y5 से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो पहले y5 लिख लेते हैं ये प्लस में आ जाएगा और y माइनस थ्री में से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस थ्री और ऐसे 0.2 कॉमन लेंगे प्लस का तो y माइनस थ्री पहले आ जाएगा और माइनस y माइनस फाइव और यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन The values of fx are given a, b, c. Show that the maximum or minimum is attained by x equal to f a b square minus c square plus f b c square minus a square plus fc
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन में है ट्वाइस बी माइनस सी एफ ए प्लस एफ बी सी माइनस ए प्लस एफ सी ए माइनस बी इसमें एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास ट्वेल्थ के कंसेप्ट से हम कैसे देखते थे कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता था तो उसको डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करके जीरो रख करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जो वैल्यू एक्स की निकल के आती थी उस पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमम होता था या मिनिमम होता था। तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्स की वैल्यू तक जाना है, मैक्सिमम या मिनिमम उस एक्स की वैल्यू को निकालना है और प्रूफ करना है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम इस एक्स की वैल्यू पे होगा। बाकी मैक्सिमम है या मिनिमम है वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। और दूसरी बात, फंक्शन कैसे निकालना है वो हम लोग को पता है लैग्रांज थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम का हम यूज करेंगे, द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन ए बी सी। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है, वैल्यूज ऑफ एक्स होगी ये, क्योंकि फंक्शन तो एफ ए एफ बी और एफ सी यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये वैल्यूज ऑफ एक्स होगा यहाँ पे बाय लैग्रांज फॉर्मूला। तो लैग्रांज फॉर्मूले का अगर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की तीन वैल्यूज हमारे पास है ए बी सी। पहले केस में पहली वैल्यू को छोड़ देंगे, दो वैल्यूज आएंगी एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी अपॉन जो वैल्यू छूटी है उससे नीचे माइनस कर देंगे ए माइनस बी ए माइनस सी इंटू पहला टर्म आएगा एफ ए प्लस अब आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी इंटू एफ बी प्लस थर्ड टर्म विल बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी एफ सी। ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को क्योंकि डिफरेंशिएट हमको करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर वाले टर्म्स को। ये एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी इंटू एफ ए प्लस सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी इंटू एफ बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू एफ सी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग जानते हैं कि हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स शुड बी जीरो, तो एफ डैश एक्स हम यहां से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अपॉन में कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ए कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो डिफरेंशिएट होगा। टू एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी इंटू एफ ए प्लस टू एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन
बी माइनस ए बी माइनस सी इंटू एफ बी प्लस टू एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू एफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब जितने टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के लिए हमको थोड़ा सा टर्म्स का जो अपॉन में माइनस आ रहा है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ इसको सी माइनस ए बनाने के लिए एक माइनस हमको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, इसको ए माइनस बी बनाने के लिए एक माइनस यहाँ से लेना पड़ेगा, और यहाँ बी माइनस सी बनाने के लिए एक माइनस यहाँ से लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तीनों में एक माइनस आ रहा है कॉमन, और तीनों का एक माइनस कॉमन लेंगे तो अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अपॉन में। तो इसका मतलब अगर अब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। और टर्म्स क्या आएंगे, टू एक्स टू एक्स यहां भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, टू एक्स तीनों में है तो इस वाले टू एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी और ए माइनस सी सी माइनस ए अपॉन में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस सी पहले वाले टर्म में, और इंटू एफ ए प्लस सेकेंड वाले में टू एक्स के साथ आएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी है तो सी माइनस ए इंटू एफ बी, और तीसरे टर्म में 2x बाहर लिया हुआ है हमने, c माइनस ए और b माइनस सी है तो a माइनस बी इंटू एफ सी। ये पहला टर्म हो गया, हर एक टर्म का पहला टर्म। अब दूसरे टर्म की बात करें तो b प्लस सी और इसके साथ b माइनस सी आएगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एफ ए प्लस अगला टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू एफ बी, और लास्ट टर्म होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी। तो ये हमने एलसीएम पूरा ले लिया। अपॉन वाले टर्म से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि इक्वल टू जीरो है, तो 2x इंटू बी माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी। तो x की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ सी, और अपॉन में ट्वाइस बी माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी। तो ये एक्स की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे जो फंक्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है वो फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग वैल्यूज of the function fx for values of x are given, f1 is equal to 4, f2 is equal to 5, F7 is equal to 5, F8 is equal to 4.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सिक्स एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। इस केस में आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज की बात करें तो वो है हमारे पास 1, 2, 7 एंड 8, और फंक्शन की वैल्यूज की बात करें तो वो है 4, 5, 5 एंड 4। एक तो एफ सिक्स निकालना है और दूसरी x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो आप क्या करो, पहले एफ सिक्स ना निकाल करके पहले हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 6 रखेंगे तो एफ सिक्स हमको सीधे मिल जाएगा, और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स को हम 0 रखते हैं और 0 रख करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो आएगी 4.5, और आप चाहें तो ये 4.5 वैल्यू रख करके ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना है तो इसको फिर डबल डिफरेंशिएट करते थे फंक्शन को। ये जो एक्स की वैल्यू आई है ये अगर नेगेटिव वैल्यू देती है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू देती है तो मिनिमम।